This makes him more a scholar and also a true judge. In the words of Lasky, he has full sense of seamless web of life. एक विशाल पेड़ जब पीछे हटता है तो पक्षी अपने गीत बंद कर देते हैं। ये लाइन देश के 51वें CGI के तौर पर जिम्मेदारी संभालने जा रहे जस्टिस संजीव खन्ना की है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के 50वें CGI DY चंद्रचूड़ रिटायर हो चुके हैं। उनके विदाई समारोह के मौके पर जहां सभी ने चंद्रचूड़ की खुलकर तारीफ की, तो वहीं देश के अगले CGI के तौर पर जिम्मेदारी निभाने जा रहे चीफ जस्टिस संजीव खन्ना के भाषण ने चंद्रचूड़ को भावुक कर दिया। विदाई समारोह के दौरान उन्होंने कहा कि आपने सुप्रीम कोर्ट को बेहतर बनाने के मिशन पर काम किया और अपने लक्ष्य के तहत चीजों को बेहतर और सुगम बनाया। देश के नए CGI के तौर पर जिम्मेदारी संभालने से पहले संजीव खन्ना ने DY चंद्रचूड़ के बारे में कहा कि उनके पद से हटने से सुप्रीम कोर्ट में खालीपन आ जाएगा। जस्टिस संजीव खन्ना ने विदाई समारोह में भाषण देते हुए कहा कि जब न्याय के जंगल में एक विशाल पेड़ हटता है तो पक्षी अपने गीत बंद कर देते हैं, हवा अलग तरह से चलने लगती है और बाकी पेड़ खाली जगहों को भरने के लिए अपनी जगह बदलते हैं, मगर जंगल फिर से कभी वैसा नहीं हो पाता। उन्होंने आगे कहा कि सोमवार से हम इस बदलाव को गहराई से महसूस करेंगे। इस न्यायालय के स्तंभों में एक खालीपन गूंजेगा। इतना ही नहीं, बार और बेंच के सदस्यों के दिलों में एक शांत इको होगा। संजीव खन्ना ने DY चंद्रचूड़ के एक विद्वान होने के गुणों की तारीफ की। उन्होंने कहा कि CGI चंद्रचूड़ ने महत्वपूर्ण निर्णय सुनाते समय अपने पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन को बहुत संतुलित रखा। संजीव खन्ना ने कहा कि संवैधानिक पीठ के 38 फैसले सुनाना ये एक ऐसा रिकॉर्ड है जो कभी नहीं टूटेगा। भारतीय न्यायपालिका के 50वें प्रमुख के रूप में DY चंद्रचूड़ का शुक्रवार को अंतिम कार्य दिवस रहा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जरूरतमंदों और उन लोगों की सेवा करने से बड़ा कोई एहसास नहीं है जिन्हें वो नहीं जानते या जिन्हें कभी नहीं मिले। CGI चंद्रचूड़ ने 4 न्यायाधीशों की रस्मी पीठ की अध्यक्षता की। इस पीठ में मनोनीत प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और मनोज मिश्रा भी शामिल थे। ये पीठ न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ को विदाई देने के लिए बैठी थी। प्रधान न्यायाधीश ने न केवल अपने कार्य बल्कि देश की सेवा करने का मौका मिलने के लिए भी संतुष्टि व्यक्त की। जस्टिस संजीव खन्ना 11 नवंबर को 51वें CGI के तौर पर शपथ लेंगे। वो दिल्ली के रहने वाले हैं और अपनी सारी पढ़ाई लिखाई दिल्ली से ही की है। उनका जन्म 14 मई 1960 को हुआ था। उनके पिता न्यायमूर्ति देसराज खन्ना थे जो दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। जस्टिस संजीव खन्ना की माँ श्रीमती सरोज खन्ना दिल्ली यूनिवर्सिटी के लेडी श्रीराम कॉलेज में हिंदी की लेक्चरार थी। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने अपनी स्कूली शिक्षा नई दिल्ली के मॉडर्न स्कूल से की और 1977 में स्कूली शिक्षा पूरी की। स्कूली शिक्षा के बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के फैकल्टी ऑफ लॉ के कैंपस लॉ सेंटर से कानून की पढ़ाई पूरी की। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।